तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट से। तो टीके एंटर जो मॉड्यूल है वो इनबिल्ट है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। जब आप पाइथन कोर इंस्टॉल करते हो, इंटरप्रेटर इंस्टॉल करते हो, तो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ इम्पोर्ट करना है, फ्रॉम टीके एंटर इम्पोर्ट, और हम क्या करेंगे, टीके इम्पोर्ट, टीके एंटर के अंदर के सारी चीज़ें इम्पोर्ट कर लेंगे, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी विंडो बनाना। तो हम एक वेरिएबल लेंगे मेन, और हम यहाँ बनाएंगे एक टीके क्लास का ऑब्जेक्ट। तो होगा क्या, हमारी मेन विंडो रेडी है, अगर हम देखना चाह रहे हैं तो देख भी सकते हैं। हम लिखेंगे मेन मेन डॉट मेन लूप, मेन लूप में डालने के लिए, जिससे कि हमारी विंडो दिख जाए। राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। तो सबसे पहले हमें मेन विंडो छोटी सी दिखेगी, छोटी सी दिखेगी, फिर हम उसकी साइज और हाइट और विड्थ सारी चीज़ बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे ये लिस्ट ट्रेनर क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ट्रेन करने में। तो ये सारी चीज़ें देखिए, हमारी जो विंडो है कुछ इस तरह ओपन बन गई है टीके एंटर की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारी विंडो बटन वगैरह बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इन कन्वर्सेशन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और ट्रेनर को भी कमेंट कर दूंगा, और इस ट्रेन वाले फंक्शन को भी कमेंट कर दूँगा। बाद में इनको हम लोग अनकमेंट कर लेंगे जब हम लोग का GUI रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेन डॉट ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में अपने विंडो की हाइट और विड्थ सेट करूँगा। तो हाइट विड्थ आपको यहाँ देनी स्ट्रिंग के फॉर्म में, और हाइट जो होगी इसकी सबसे पहले होती है विड्थ। तो विड्थ हमें स्पेसिफाई करना है, तो विड्थ हम दे देंगे 500, और हम लगाएंगे एक्स, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये स्मॉल एक्स है, और इसकी जो हाइट होगी वो 650 होगी फ्रेंड्स, तो बेटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार हमें हाइट मिल गई, हमारी हाइट ओवर सेट हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइटल सेट कर देंगे अपनी विंडो का। तो हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल, और टाइटल लिख देंगे माई चैट बॉट। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, टाइटल भी सेट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक इमेज लाएंगे, और उस इमेज को लगाएंगे अपने टॉप पे जहाँ पे चैट बॉट का आइकन लगा हुआ था। तो हम लोग, मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा है डेस्कटॉप पे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, या उसको कॉपी करके मैं लाता हूँ, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट कर लूँगा। और bot1.png फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कोई भी इमेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो, और बेसिकली ये वाली इमेज है। तो इसको हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको लगाने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा लेबल का। किसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, लेबल का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो चलिए बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फोटो लेबल इज इक्वल टू, और यहाँ पे लेबल क्लास है, और हम लोग क्या करेंगे, इसको दे देंगे पेरेंट विंडो। तो पेरेंट विंडो हमारी मेन विंडो है, और हम लोग यहाँ पे लेबल में हम यूज़ करेंगे इमेज एट्रीब्यूट, और इमेज में मुझे यहाँ देना है एक इमेज का ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज का ऑब्जेक्ट ऊपर बना लेते हैं, img इज इक्वल टू, और इमेज का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे फोटो इमेज नाम की एक क्लास, और इस क्लास को हमें फाइल में देना है अपनी फाइल की लोकेशन। तो लोकेशन हमारा हमारा प्रोग्राम जिसमें रखा है उसी में हमारी फ़ोटो भी रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अपनी फ़ोटो bot1.png फोटो का नाम पास कर दें। अगर आपकी जो फोटो होती है वो किसी दूसरे फोल्डर में रखी होती, तो हम यहाँ पे फुल पाथ देते थे, और अब हम इस इमेज के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे img, दैट्स इट फ्रेंड, लेबल पे फोटो लग चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेबल को पैक करेंगे, तो लिखेंगे फोटो लेबल डॉट पैक, और पैक में थोड़ा सा मैं पैडिंग दूंगा, पैड वाई वाई एक्सिस पे 5 की पैडिंग दे दूंगा। और मैं क्या करता हूँ, एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या बना हुआ है। तो रन करेंगे प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये बना है, भी चैट बॉट का विंडो बनी है, और यहाँ पे आइकन बन गया। आप इस आइकन को मतलब किसी भी आइकन से रिप्लेस कर सकते हो, आपकी जो मर्जी, मैं छोड़ दे रहा हूँ आप पे कि आप कोई भी आइकन आप यूज़ कर लो अच्छे से। अगर आप फोटोशॉप वगैरह कर लेते हो तो आपका जो आइकन होगा और अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक फ्रेम बनाएंगे, और फ्रेम में एक लिस्ट बॉक्स यूज़ करेंगे, और इधर स्क्रॉल बार लगाएंगे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है। तो हम लोग इसके नीचे एक फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लेंगे फ्रेम इज इक्वल टू फ्रेम क्लास, और फ्रेम क्लास को दे देंगे अपनी पेरेंट विंडो, मेन विंडो दे देंगे।
उसके बाद हम बनाएंगे स्क्रॉल बार का ऑब्जेक्ट, तो एस सी ले लेंगे और हम लेंगे यहाँ पे स्क्रॉल बार, और बार को हम दे देंगे इसका पेरेंट, तो हम इसको रखेंगे फ्रेम में, तो हम फ्रेम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने लिस्ट बॉक्स का, जिसमें मुझे लिस्ट बॉक्स दिखानी है, तो बना लेते हैं। लिस्ट बॉक्स का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको रखेंगे मैसेजेस नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे लिस्ट बॉक्स क्लास यूज़ करेंगे, और लिस्ट बॉक्स को भी हम लोग इसका पेरेंट दे देंगे, और इसको हम रखने वाले हैं फ्रेम में, तो इसका जो पेरेंट होगा फ्रेम होगा। और लिस्ट बॉक्स का हम लोग विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करेंगे, विड्थ हम 80 देंगे कॉमा हाइट जो होगी उसको हम देंगे 20। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कुछ पैक फंक्शन वगैरह लगाना पड़ेगा जिससे कि डिस्प्ले वगैरह हो पाए। और हम क्या करेंगे, स्क्रॉल बार को देखिए, स्क्रॉल बार डॉट इसको पैक करेंगे, और पैक करते समय हम साइड क्या दे देंगे, इसको राइट में रखेंगे, जैसे कि हमारा लिस्ट बॉक्स उसमें आ सके लेफ्ट साइड में, और कॉमा लगा के हम फिल कर देंगे वाई पे फुल डिस्टेंस ले ले जिसकी पेरेंट, जितनी पेरेंट की विड्थ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैसेजेस को भी क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, और पैक करने पे इसकी जो साइड होगी मैं दे दूंगा लेफ्ट, जैसे कि हमारा जो स्क्रॉल बार है वो राइट में है, और मैसेजेस का जो लिस्ट बॉक्स है हमारा जिसमें मैसेजेस हम लोग रखेंगे वो लेफ्ट में है। उसके बाद हम फिल इसको हम लोग फिल बोथ साइड कर देंगे, बोथ साइड, और पैडिंग थोड़ा सा दे देते हैं, पैडिंग बाय 10 दे देते हैं। दैट्स इट फ्रेंड, अब हमारा बॉक्स बन गया होगा, और हम लोग फ्रेम को पैक कर देते हैं एक बार, और उसके बाद हम प्रोग्राम को चलाते हैं। तो फ्रेम डॉट पैक, और हम लोग अब प्रोग्राम को चलाते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग का GUI रेडी हुआ। तो हम देख पाएंगे कि हमारा एकदम परफेक्ट GUI रेडी हो गया। यहाँ पे हमारा स्क्रॉल बार लगा हुआ है राइट में, और स्क्रॉल बार लगा हुआ है, और यहाँ पे मैसेजेस बॉक्स हमें दिख रहा है, और यहाँ पे आइकन दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे मैसेजेस को इंसर्ट कराएंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे एक बटन बनाएंगे और एक फील्ड बनाएंगे जिसमें हम लोग फील्ड में डेटा दे पाएंगे, और बटन पे क्लिक करने पे हम लोग चैटबॉट से रिस्पॉन्स जो मिलेगा उसको इसमें स्टोर कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग फील्ड बनाते हैं। तो फील्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दे रहा हूँ क्रिएटिंग टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो फील्ड बनाने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल टू, और यहाँ पे वेरिएबल जिस क्लास को यूज़ करेंगे हम लोग फील्ड बनाने के लिए उस क्लास का नाम है एंट्री यूज़ होती है फील्ड बनाने के लिए। और क्योंकि हमें इसे फ्रेम में नहीं रखना, फ्रेम में सिर्फ हमने रखा हुआ लिस्ट बॉक्स को, स्क्रॉल बार को, हमें इसे रखना है अपनी मेन विंडो में। तो हम मेन यहाँ पे पेरेंट विंडो मेन को बना देंगे, और इसका थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट को देना होता है टपल, और हम यहाँ पे कोई दूसरा फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है वर्डना वगैरह। उसके बाद आप यहाँ पे इसके बाद आप साइज़ दे सकते हो, तो मैंने कहा 20, फॉन्ट की साइज़ होगी 20। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी पैक कर देंगे, तो पैक करना बहुत ईजी है, टेक्स्ट एफ डॉट पैक, और पैक में हम लोग क्या करते हैं इसको फिल कर देते हैं, इसकी विड्थ हम लोग फिल कर देंगे, और फिल एक्स पे करेंगे, और थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे पैड बाय 10। तो हम लोग देख लेते हैं अभी हमारा बटन कहाँ तक बना हुआ है, या GUI हमारी कहाँ तक बनी हुई है। तो हम लोग की फील्ड भी रेडी है फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फील्ड, ये रही टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे हम लोग टाइप कर पाएंगे कुछ, और यहाँ पे बटन बनाएंगे, जैसे बटन बनाएंगे हम रिस्पॉन्स पूछेंगे अपने चैटबॉट से। चलिए हम लोग बटन बनाते हैं लास्ट चीज। तो हम लोग बटन बनाने के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे आस्क या btn इज इक्वल टू, बटन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लास बटन, और हम लेंगे यहाँ मेन विंडो, और हम यहाँ पे बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे आस्क फ्रॉम बॉट। उसके बाद इसका भी फॉन्ट हम लोग चेंज कर देते हैं, फॉन्ट में हम लोग देंगे टपल, और टपल में हम लोग देंगे पहली स्ट्रिंग फॉन्ट, और उसके बाद हम लोग साइज़ दे देंगे, तो उतनी इसकी भी साइज़ दे देंगे जितनी टेक्स्ट फील्ड की साइज़ है। एक चीज़ और फ्रेंड देनी है यहाँ पे कमांड, बेसिकली हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है क्लिक पे, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कमांड दे देते हैं, कमांड इज इक्वल टू आस्क फ्रॉम बॉट, ये फंक्शन है जो कि अभी हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, उसका btn को क्या कर देते हैं पैक कर देते हैं फ्रेंड, और ये फंक्शन बना लेते हैं आस्क फ्रॉम बॉट, ये फंक्शन तो हम लोग बनाएंगे ऊपर, आस्क फ्रॉम बॉट बना लेते हैं
हम लोग बना लेते हैं लिस्ट बॉक्स, या आप कहीं भी बना सकते हो बट इसके ऊपर बनाओ। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं मेन विंडो जहाँ लेवल सेट किया है, फोटो सेट किया है, फ्रेम जहाँ पे स्टार्ट हुआ है यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डेफ आस्क फ्रॉम बॉट, और हम लोग इसको दे देंगे क्वेश्चन या क्वेरी। और हाँ, ये क्या करेगा फिलहाल, तो क्वेरी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, या एक काम करते हैं क्वेरी अभी रहने देते हैं, डायरेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे और हम लोग यहाँ लिख देंगे बटन क्लिक्ड। ठीक है, इतना हम लोग टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग बॉट वाला चीज़ करेंगे। और हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, अदरवाइज रहने देते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग पैडिंग देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं हमारी जीवा रेडी है यहाँ पे। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आस्क फ्रॉम बॉट बटन भी रेडी है, और बटन को क्लिक कर रहे हैं तो वही हमारा फंक्शन आस्क आस्क फ्रॉम बॉट वाला फंक्शन चल रहा है, क्लिक 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 क्लिक। हम लोग क्या करना है, बटन पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग स्टैक्स फील्ड का डेटा निकालेंगे और हम लोग गेट रिस्पॉन्स बॉट डॉट गेट रिस्पॉन्स कॉल करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हम लोग फिट करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको समझना। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं अपने फंक्शन में यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे क्वेरी, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो उसका वेरिएबल है ये टेक्स्ट एफ डॉट गेट। तो जैसे ही आप ये गेट फंक्शन कॉल करोगे, क्या करेगा इस टेक्स्ट फील्ड का जो भी आपने टाइप किया होगा वो सब कुछ यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में दे देगा। और हम लोग क्या करेंगे, हम चैट या बॉट से पूछेंगे बॉट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ऊपर अनकमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। चले करते हैं, तो सबसे पहले हम कन्वर्सेशन तक अनकमेंट कर देते हैं, उसके बाद ट्रेनर का ऑब्जेक्ट बनाते समय अनकमेंट कर देते हैं, और अपने ट्रेन ट्रेन वाले फंक्शन को भी अनकमेंट कर देते हैं। दैट्स इट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने बॉट से पूछेंगे डॉट गेट रेस्पॉन्स, और हम अपनी क्वेरी से दे देंगे, तो ये हमें दे देगा आंसर ANS आंसर अंडरस्कोर फ्रॉम बॉट, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने मैसेजेस वाले में इंसर्ट करेंगे आपका मैसेज जो आपने सबसे पहले पूछा है। तो हम लिखेंगे मैसेजेस डॉट इंसर्ट इंसर्ट, और यहाँ पे टाइप करते हैं एंड, क्योंकि हमें सबसे नीचे से इंसर्ट करना है, तो लिखेंगे एंड इंसर्ट इंसर्ट नॉट इंडेक्स इंसर्ट, और हम लिखेंगे एंड में मुझे इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे यू, मतलब आपने क्या पूछा है, ठीक है, कोलन, उसके बाद इसके साथ ऐड कर दूंगा क्वेरी, आपकी क्वेरी, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से मैसेजेस में एक और चीज़ इंसर्ट करेंगे बॉट का आंसर, एंड नीचे ही इंसर्ट करेंगे और हम यहाँ लिख देंगे बॉट, बॉट क्या बोलना चाह रहा है आपसे, और कोलन लगाएंगे, और हम इस बार आंसर फ्रॉम बॉट यहाँ पे अपेंड करेंगे। दैट्स इट फ्रेंड। अगर हम चाहते हैं तो हम लोग क्वेरी को क्लियर भी कर सकते हैं, तो हमने कहा या अपने टेक्स्ट फील्ड को क्लियर भी कर सकते हैं डॉट डिलीट डिलीट, और डिलीट में हमें देना है कहाँ से कहाँ तक, तो हम जीरो से लेके और एंड तक डिलीट कर दें। चलिए फ्रेंड्स, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं हमारा ये चैटबॉट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रन करते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि अभी ये लर्न वगैरह सारी चीज़ें कराएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी विंडो ओपन है और हम यहाँ पे टाइप करते हैं हाय और आस्क फ्रॉम बॉट बटन क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका मैसेज तो आया बट यहाँ पे हमारा बॉट का मैसेज नहीं प्रिंट हुआ और कुछ एरर आ गई यहाँ पे। देखते हैं क्या एरर आई। ये कह रहा है कुछ मस्ट बी स्टार नॉट अ स्टेटमेंट, लाइन 54th पे कोई एरर आ गई। जरा हम क्रॉस चेक करेंगे एक बार, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही, ज़रा हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आंसर को कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में, और डायरेक्ट हम इस आंसर को क्या कर देंगे स्ट्रिंग में, और एक बार कोशिश करेंगे इस आंसर को देखने की वो किस टाइप का है। तो हम लिखेंगे प्रिंट और यहाँ प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ आंसर। अब हमें पता चल जाएगा किस टाइप का आंसर है, और ये भी पता और ये जो भी आंसर होगा स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार हम अपने प्रोग्राम को रीरन करते हैं और देखते हैं फिर से प्रोग्राम का आउटपुट। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बॉट ओपन है। अब हम यहाँ टाइप करते हैं हाय और आस्क फ्रॉम बॉट करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, हमने कहा हाय और इस बॉट ने बोला हाय डियर, और ये देखिए यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा था ये बेसिकली हमारा एक स्टेटमेंट टाइप का था, न कि स्ट्रिंग था, इसीलिए वहाँ पे एरर आई थी। अब अगर हम यहाँ से कुछ पूछते हैं वॉट इज़ योर नेम, और हम आस्क फ्रॉम बॉट पर क्लिक करते हैं,
तो हमारा देखिए माई नेम इज़ वॉट, आई आई एम क्रिएटेड बाय, तो चलिए अब हम टाइप करते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, और हम लोग यहाँ आस्क फ्रॉम बॉट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हाउ आर यू मैंने लिखा, ये कह रहा है आई एम डूइंग ग्रेट दिस डेज। अब हम यहाँ लिखते हैं इन विच सिटी यू लिव, इन विच सिटी यू लिव, और हम लोग आस्क फ्रॉम बॉट करते हैं तो यहाँ बताएगा आई लिव इन लखनऊ। तो ऐसे हम लोग फ्रेंड चैटबॉट बना सकते हैं और इसको हम लोग और भी अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं मेहनत करके। इसको वेबसाइट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आपका ML बेस्ड है, आप यहाँ पे डेटा सेट दे दीजिए, ये आपको क्या करेगा, आपको सारी चीज़ें खुद से इन्फर करके बता देगा। इसी तरह हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ अ बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।